हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि सचान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में घंटी वाला जो बटन है इसे दबाकर आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है। इसे जब भी वीडियो डालूंगी तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी। जैसे कि आपको पता ही है, लेकिन ये रेसिपी सबसे ज़्यादा आसान और सबसे कम झंझट वाली है। देखने में आपको लग ही रहा होगा किसी ढाबे या रेस्टोरेंट से बेहतरीन कढ़ाई पनीर घर पर बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गैस पे मैंने ऑन करके कढ़ाई रख ली है। मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर कोई और कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून लिया है तेल। इसमें डाला है 2 सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा। सूखी लाल मिर्च को अच्छे से पकाना है। तेल को गर्म करके गैस को हमें तुरंत धीमी आंच कर लेनी है। इसके बाद इसमें डाला है 1 बड़ी चम्मच धनिया। धनिया को थोड़ा सा तोड़ करके डालिएगा, किसी चीज़ से क्रश कर दीजिएगा बेलन वगैरह से। तो 1 बड़ा चम्मच हमने ले लिया है यहाँ पर धनिया, यानी 2 टीस्पून के जितना। अब ये जो धनिया हमने डाली है इसे हमें धीमी आँच में बहुत ही अच्छे से पकाना है, जिससे कि वो क्रिस्पी हो जाए। इसके बाद इसमें हम अदरक और लहसुन डाल देंगे बारीक कटा हुआ। तो लहसुन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। अदरक को भी हमने छील करके चॉप कर लिया है। इन सारी चीज़ों को हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पकाना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर सब्र के साथ में काम लेना है, यानी पेशेंस के साथ में। तो अच्छे से इन्हें ब्राउन कीजिएगा, जिससे इनका एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आए। हम कोई भी मसाला नहीं इसमें, कढ़ाई मसाला वगैरह नहीं यूज़ करेंगे। हमने इसमें जो पहले अभी ये जो तड़का तैयार कर रहे हैं, यही एक तरीके से इसमें ये कढ़ाई पनीर का ये जो तड़का है, इसी से हमारा जो कढ़ाई पनीर है बहुत ही गजब का बनने वाला है, देखने में भी और टेस्ट में भी। तो देखिए अभी भी ये पक रहा है। तब हम इसमें डाल देंगे अनियन पेटल्स, यानी प्याज के इस तरीके से जो पंखुड़ियाँ होती हैं, प्याज की परतों को खोल लेना होता है मोटे टुकड़े करके। और साथ ही साथ 1 बड़े आकार की हमने शिमला मिर्च को भी डाला हुआ है इसमें। बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को चौकोर काटा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसमें जो कढ़ाई पनीर में हमें प्याज और शिमला मिर्च लेनी है वो इसी तरीके से काटनी है, थोड़े बड़े टुकड़ों में। और थोड़ा सा इन्हें हमें पका लेना है यहाँ पर तेज़ आंच में ही। इसके बाद हम गैस को धीमा करके थोड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, 1/4 चम्मच के जितना, और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी और 1 चम्मच हमने यहाँ धनिया पाउडर लिया। जीरा पाउडर कच्चा जीरा पाउडर लेना है यहाँ पे। जीरा सिंपल जीरा को पीस लेना है बिना भुने ही, और जीरा पाउडर आपका तैयार है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-2 चम्मच हम डालेंगे इसमें पानी, जिससे जो सूखे मसाले हैं वो बिल्कुल जले नहीं। अगर वो जल गए तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो शिमला मिर्च और प्याज है उसे बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं पकाना है कि अपना वो कलर लूज़ कर दे और या फिर उनका जो है क्रंच जो है ना रहे। क्रंच रहना चाहिए थोड़ा सा। बाकी अपने हिसाब से आप ये थोड़े से जो टुकड़े हैं इनको छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो इसे थोड़ा बड़ा ही रखिएगा। यहाँ पर मैंने डाला हुआ है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट, और उसी में मैंने 7-8 काजू पीस लिए थे। तो काजू आप ऐसे भिगो के रख सकते हैं, लेकिन भिगोना भूल गए हैं तो आप डायरेक्ट सूखे काजू भी टमाटर के साथ अच्छे से पीस सकते हैं। इस ग्रेवी को इसमें डाल करके हम इसे पकाएंगे। ग्रेवी को यानी कि जो टमाटर हमने डाला है इसमें, इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देता। देखिए तेल छोड़ दे, इसके बाद भी हम थोड़ी देर इसे मिक्स करते हुए बराबर चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि टमाटर का पकना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद थोड़ा सा हमने पानी इसमें रिंस करके डाल दिया है। चाहे तो इसकी जगह पर आप दूध भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि देखिए ना कोई हमने मसाला पीसा है, यानी सिर्फ टमाटर की ग्रेवी डाल दी है, टमाटर पीस करके डाल दिए हैं, और बहुत ही अच्छा हमारा जो है ये यहाँ पे ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे डालूँगी इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला। यहाँ पर बना रही हूँ कढ़ाई पनीर मैं 2 से 3 लोगों के लिए। अगर आप ज़्यादा बनाने वाले हैं तो सारी चीज़ों की क्वान्टिटी डबल कर दीजिएगा। एक और छोटी सी टिप देना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही धमाकेदार एकदम ज़बरदस्त आपका बने पनीर, तो थोड़ा तेल की मात्रा ज़्यादा ही रखिएगा। अगर गेस्ट वगैरह को खिलाने वाले हैं उससे क्या रहता है, पनीर जो है थोड़ा शाइनी बनता है, चमकदार यानी बनता है। मैंने नमक डाल दिया था और अब डाल दी है मैंने 1 बड़ा चम्मच या फिर 1 बड़ा डॉलप क्रीम का। घर वाली ही क्रीम है, मलाई है, जिसे हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। अगर आपने मलाई में दही मिक्स किया हुआ है
तो बिल्कुल मत डालिएगा। हमें बिल्कुल फ्रेश मलाई चाहिए, खट्टी मलाई नहीं चाहिए। आप अमूल की जो क्रीम होती है उसे भी डाल सकते हैं। क्रीम डालने के बाद में गैस की आँच को थोड़ा धीमा ही रखेंगे और आप देख पा रहे हैं कितनी शानदार ये जो है अभी हमारा ये ग्रेवी बन के तैयार हुआ है। अब इसमें पनीर ऐड करने की बारी है, तो उससे पहले इसमें हम जिंजर जूलियन डाल देंगे यानी अदरक के लच्छे। अदरक को छील करके उसके पतले पतले स्लाइसेस, लंबे स्लाइसेस करके इस तरीके से हमें लंबा काट लेना है। तो अदरक के स्लाइसेस को ऑलमोस्ट हम लास्ट में ही डालेंगे। आप देख पा रहे हैं प्याज भी हमारा ज़्यादा नहीं गला। अब देखिए अभी भी मैं इसे पका रही हूँ तो कैसे बढ़िया ऊपर रोगन आ गया है और जो है तेल ऊपर तैरने लगा। इसका मतलब है हमारी ग्रेवी एकदम रेडी है, कोई भी कच्चापन इसमें नहीं रह गया है। कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर इसमें हम ऐड कर देंगे। बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे तो ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, यानी कि स्पेशली अगर आप गेस्ट को खिलाने वाले हैं तो रेसिपी को सेम ही फॉलो कीजिएगा और ऑयल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा के रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने पनीर डाल दिया है। यहाँ पनीर मैंने यूज़ किया है 250 ग्राम के आसपास पनीर डाला है इसमें, और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप गेस्ट वगैरह के लिए बनाइएगा तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर काफ़ी अच्छे से डालिएगा। हल्दी भले ही थोड़ी सी कम डालिए लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे से डालिएगा। अदरक भी अच्छे से, अदरक जिंजर जूलियन डालिएगा। कोई भी इन्ग्रीडियंट मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आप चाहे तो बिल्कुल भी इस रेसिपी में पानी का यूज़ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप इसे दूध से ही बना सकते हैं, और भी ज़्यादा इसकी रिचनेस बढ़ जाएगी। काजू या फिर मेलन सीड जो होते हैं उन्हें भिगो करके पीस करके उसका भी पेस्ट ऐड कर सकते हैं, उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं 1-2 बड़े चम्मच। तो आप देख पा रहे हैं कितना शाइनिंग वाला पनीर हमारा अभी तैयार हो रहा है जस्ट। और जो पनीर है वो पनीर के टुकड़े पक कर के बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। शिमला मिर्च भी पक गई है लेकिन कलर अपना बिल्कुल बरकरार रखे हुए हैं। नमक इस रेसिपी में या इस डिश में थोड़ा सा हल्का ही अच्छा लगता है, नमक तेज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, गाढ़ा गाढ़ा ही इसे रखिएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो पनीर हमारा बनकर तैयार है, तो चलिए इसे मैं आपको परोस करके दिखा देती हूँ कि वाकई में ये पनीर जो है, जो भी आप फ़ोटोज़ देख पा रहे हैं वो रियल है या नहीं। तो देखिए ये कितना शानदार लग रहा है। जैसे आप होटल रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में भी ये 270 रुपये 250 रुपये की प्लेट के अप्रॉक्स मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर 250 ग्राम पनीर ला करके बहुत ही सस्ते में बहुत ही कमाल का जो है बना सकते हैं आप। ऊपर से जो इसमें हम थोड़े से जिंजर जूलियन और डाल देंगे इसे डेकोरेट करने के लिए, थोड़ी सी क्रीम अगर अवेलेबल है तो उसे डाल दीजिए। अब देखिए ये रेसिपी यानी ये डिश अगर आप किसी भी गेस्ट को अपने घर पे, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को खिलाएंगे तो वो बिल्कुल इतनी तारीफ़ें करेंगे कि आप बटोर नहीं पाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस सुपर सिंपल कढ़ाई पनीर की रेसिपी को। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बड़ी मेहनत से बनाया है ये वीडियो, अगर आप एक लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी और आसान सी वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।